पंकज जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और आपकी जो फिल्म आ रही है उसके बारे में बताना चाहेंगे। आप लोगों को तो मालूम ही है कि मैं एक हाल ही में एक पिक्चर करके आया जिसका नाम है जीत, जिसकी शूटिंग आजमगढ़ में बहुत ही अच्छे से हुई, और जिसके फाइनेंसर हमारे क्लोज हैं, जो हमारे हमारे फैमिली रिलेशन में हैं कुछ लोग, और हमारे पापा, और हमारे पिक्चर के डायरेक्टर का नाम है सुजीत कुमार सिंह, जो अपने भोजपुरी में सब बहुत बड़े उपाधि पे हैं, और डीओपी है महेश वेंकट, और हमारे पिक्चर के फर्स्ट लीड रितेश पांडे, और मैं उनके साथ सेकंड लीड साकेत गिरी में खुद कर रहा हूँ, और हीरोइन में तनुश्री और आकांक्षा दुबे, विलेन में उमेश सिंह, जय सिंह, मतलब भोजपुरी के सारे महान कलाकार हमारे इस पिक्चर में काम कर रहे हैं, और मैं बस इतना ही चाहूँगा कि हमारी पिक्चर को आप लोग प्यार दें, बहुत ही ज़्यादा चले हमारी पिक्चर, आप लोग आशीर्वाद दें, और बस। और आप कहाँ से हैं बताना चाहेंगे उसको? मैं आजमगढ़ से हूँ, आजमगढ़ से मैं हूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ मैं, और भोजपुरी सिनेमा में आने से पहले मैं मेरा पढ़ाई चल रहा था और अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं भोजपुरी सिनेमा में एक अच्छे अच्छे उपाधि पे रहूँ, लोग मुझे भी जाने, लोग मुझे पहचाने, और मैं कोशिश कर रहा हूँ और करते रहूँगा जब तक कि मैं कुछ बन नहीं जाऊँ। अभी कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं? अभी मैं 15 में, लास्ट ईयर है मेरा, इसके बाद फिर पूरा टाइम भोजपुरी सिनेमा को ही दूंगा। फिल्मों में कैसे आना हुआ आपको? फिल्मों में तो 2 साल पहले से ही मतलब मैं था, मतलब एक ही मैंने हिंदी मूवी की थी, उसके बाद मैं स्ट्रगल कर रहा था हर चीज़, डांस क्लास, फाइट, ये सब बहुत कुछ सीख रहा था मैं, कुछ 6 मंथ 7 मंथ में ये भी था अपना असिस्टेंट ऑफ डायरेक्टर था, तो मेरे बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, तो मैंने 2 साल इसमें पूरे अपने आप को बहुत 2 साल इसमें रखा पूरे अपने सिनेमा में, उसके बाद में एज ए हीरो उतरा अपनी पहली मूवी लेके जीत, और बस। हीरो बनने के लिए आपने क्या क्या तैयारियां किया था? हीरो बनने के लिए सबसे बड़ी मैंने तैयारी की थी कि पर्सनालिटी, मैंने अपने आप को एक अच्छे पर्सनालिटी में रखा, और मैंने एक्टिंग पे बहुत ध्यान दिया, एक्टिंग सीखा, डांस क्लास ज्वाइन किए थे, फाइट क्लास की मैंने, बॉक्सिंग किया, कराटे किए, और बाकी बहुत से चीज़ें मतलब मैंने की, मतलब ज़्यादातर मैंने अपने एक्टिंग पे ही ग्रोथ किया और पर्सनालिटी पे ग्रोथ किया। जीत फिल्म कैसे आपको मिली बताना चाहेंगे? जीत फिल्म दरअसल ये मतलब मेरा वीरू ठाकुर जो हमारे पिक्चर के राइटर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस पिक्चर के लिए, जब मैं उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद से कुछ कीजिए, तो मैंने अपने फैमिली रिलेशन में कुछ लोगों से बातें की, उनसे मैंने बोला कि आप हमारे पिक्चर को फाइनेंस करो, तो उसी से फिर मैंने पूरे दौर चालू किए, फिर मेरे पापा ने कुछ हेल्प की और बाकी चीज़ बहुत लोगों ने भी मदद की, और इस तरह से हमने जीत पिक्चर को बनाया, और हम चाहते हैं कि ये पिक्चर अच्छे से रिलीज हो जाएगी और अच्छे से आप लोग हमको सब लोग अपने हमारे भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश बिहार की जनता को बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि वो लोग हमारे पिक्चर को देखें और प्यार दें और उसे अच्छे एक लेवल पहुँचाएँ और मुझे आशीर्वाद दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। जीत फिल्म में क्या किरदार है आपका? जीत फिल्म में मैं एक मैं रितेश जी का छोटा भाई का किरदार निभा रहा हूँ, जिसमें मैं भी खुद 3 गाने, मेरे खुद के 3 गाने उसमें हैं, मैं भी मेरा फाइट है, बहुत कुछ है उसमें, मैं 2 कैरेक्टर में आपको दिखाई दूंगा, जिसमें एक सिंपल साधारण इंसान जिसमें नो मार नो काट, लेकिन उसके बाद कुछ पिक्चर में कुछ ऐसा मोड़ आता है जिससे कि मैं एक ऐसे रूप में आ जाता हूँ और मैं भी एक फाइट, मेरा फाइट, फिर बाकी चीज़ें मेरी भी चालू हो जाती है पिक्चर में, इसलिए मैं आपको पिक्चर में 2 ही किरदार में दिखूंगा, एक शरीफ में और एक अच्छे से। आपकी हीरोइन कौन है इसमें? मेरी हीरोइन है आकांक्षा दुबे, उन्होंने भी काफ़ी 3-4 पिक्चरें उन्होंने भी की है, उनकी पिक्चरें आने वाली है जल्दी। कैसी केमिस्ट्री रही आपकी और आकांक्षा की? अच्छी थी, हालांकि वो पुरानी थी तो मुझसे ज़्यादा बेहतर एक्टिंग और बेहतर डांस का उनको नॉलेज है, बट पिक्चर आएगी तो देखिए, आप लोग देखिए। इसमें जैसे आपके साथ रितेश पांडे जी हैं तो उनके साथ आपने काम किया, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखने को मिला उनसे? रितेश जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, और उनकी एक्टिंग का, उनके
उनके डांस का, उनके एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं, वो बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। और सिंगिंग के मामले में वो भी, वो तो बहुत हैं, आप लोगों को तो मालूम है, पूरी जनता को मालूम है, तो बहुत ही अच्छे इंसान है वो। उनका व्यवहार बहुत प्यारा है, बात करने का तरीका। हम लोग शूटिंग पे थे तो हम लोग एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह रहते थे, वो मुझे खुद छोटा भाई मानते थे। तो बहुत ही अच्छे इंसान है रितेश जी, बहुत अच्छे इंसान है। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सुजीत सर, आप सबको मालूम है सुजीत सर बैक टू बैक 5-6 पिक्चरें हिट दिए हैं, और वो अपने भोजपुरी के बहुत ही बड़े, बहुत ही महान डायरेक्टर हैं। और उनका काम भी इतना प्यारा है, उनका काम बहुत ही तरीके से होता है, बहुत अच्छे तरीके से वो काम करते हैं। और समय पे उनका बस यही उद्देश्य है कि मैं काम समय पे चीज़ें कर दूं बस। वो बहुत, उनका काम भी हर एक चीज़ डिसेंट से होता है उनका। और हमारे डायरेक्टर जी, सॉरी प्रोड्यूसर जी, वो एनी टाइम शूटिंग पे रहते थे ताकि किसी भी चीज़ की कमी ना आए, किसी टेक्नीशियन को या किसी एक्टर को, किसी या जूनियर आर्टिस्ट, किसी को भी कोई कमी नहीं आए, इसलिए वो भी रहते थे और हर चीज़ का सपोर्ट था उनका, और वो भी बहुत अच्छे हैं। जीत फिल्म को लेकर के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जीत फिल्म को लेकर मैं जीत फिल्म को लेकर मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे पिक्चर को देखिए और हमारे पिक्चर को ढेर सारा प्यार दीजिए और दुआ कीजिए कि हमारी पिक्चर अच्छे से चले, हिट हो, सुपर हिट हो, और हाँ मैं और आप लोग के बीच में मैं आऊँ ताकि आप लोग मुझे मौका दें सबकी तरह कि मैं भी एक अच्छा सा स्टार बन सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साकेत गिरी। मैं आप सभी देशभक्तियों को और देशवासियों को दिवाली की और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.